कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाई मांग, जासूसी कांड पर गृह मंत्री, देश इस्तीफा, मेरा फोन भी टैप हुआ। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 130 अंकों की बढ़त के साथ खुला। टीएमसी सांसद शांतनु सेन राज्यसभा से निलंबित, टीएमसी सांसद ने संचार मंत्री से पेपर छीन कर फाड़ा था। बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन का नाम बदला, बीएसपी की आज से एक हफ्ते तक प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी। भाजपा से पूरे यूपी में अपना बूथ वैक्सीनेशन युक्त अभियान की शुरुआत की आज से 25 जुलाई तक चलेगा यह अभियान। समाजवादी विधान मंडल दल के नेता राम गोविंद चौधरी आजम खान के हालात को लेकर राज्यपाल को सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि आजम खान की पूरी तरीके से अच्छे से इलाज होना चाहिए। वहीं जिला पंचायत के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जिला पंचायत में समाजवादी पार्टी के वर्करों पर पर्चा न भरने दिया गया, मारपीट की गई थी, लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। तो बता दें आपको, आज समाजवादी पार्टी का मंत्रिमंडल राज्यपाल से मिलने पहुंचा, जहां पर उन्होंने आजम खान की तबीयत को लेकर और उनकी सही इलाज को लेकर एक पत्र भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा है। तो राजभवन में जाकर आज राज्यपाल से सपा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और ये भी कहा वो इतना बीमार है कि सरकार उनको पेरोल पर परमानेंट जेल से बाहर भाग रही है। जिला पंचायत के चुनाव में प्रत्याशियों का अपहरण कर लिया गया, इन सब बातों से हम लोगों ने उनको अवगत कराया। तीसरी बात, आजमगढ़ में तीन पकवान के घरों को पुलिस ने विधिवत ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया, सारा सामान गहना रुपया लूट लिया, एक औरत के साथ बलात्कार भी किया, उसका FIR भी नहीं हुआ और उनके उन्हीं लोगों को। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने पहले दौर के दौरान पूरे यूपी में फ्री में लोगों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने का काम किया था। हालांकि इसके लिए विभाग को काफी घाटा भी सहना पड़ा था, लेकिन ऐसे दौर में भी इनके कुछ विभाग के कुछ कर्मचारी भी अपने शातिर दिमाग और भ्रष्टाचार की चाहत के चलते विभाग को चूना लगाने में पीछे नहीं हटे। ऐसे ही एक मामला है जिसका भांडाफोड़ आजमगढ़ रोडवेज विभाग में हुआ है, जहां पर अंबेडकर जीपो के परिचालक की करतूत पकड़ में आई, जिसने पिछले 8 महीने में विभाग को करीब 1.5 लाख का चूना लगा दिया था। बताया जा रहा है कि परिचालक विनय कुमार गुप्ता आजमगढ़ दीपू से बस लेकर अपने गंतव्य स्थल पर जाता था। जो भी टिकट का पैसा उसको मिलता था, हर 20 या 25 दिन के अंदर उसमें कुछ गड़बड़ी कर देता था। वहीं इसको लेकर विधिवत जांच की जा रही है। फिलहाल परिचालक विनय कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है, उसने अपनी गलती मान ली है और अपना कैश जमा करा दिया है। ये परिचालक है, विनय गुप्ता परिचालक हैं, ये अंबेडकर डिपो के परिचालक हैं। इन्होंने करीब 8-9 डेट्स में 44 का नंबर गलत डाल के और अपना वेबिल चेक नहीं कराया, सिर्फ चेकिंग में दे दिया 44 का नंबर डाले कि मैंने इतना कैश जमा कर दिया और कैश भी नहीं जमा किया। ये मामला जब प्रकाश में आया तो इसके पूरी डिटेल निकाली गई सार भर की, तो आठ नौ डेटें निकली हैं। उसमें 1,40,905 रुपये का शायद गबन किया गया है। तो इनको घर से पकड़वा के मुकर बुलवाया गया, इन्होंने उसको स्वीकार भी किया और अब इन्होंने 1,40,000 रुपया जमा कर दिया है। परिचालक को उसके लिए दंडित करते हुए फिलहाल सरमत। रायबरेली जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि खेत में मेड़ बांधने को लेकर दबंगों ने आशा बहू की पिटाई की, जिसके बाद घायल अवस्था में पति ने अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची ही नहीं, दबंगों ने आशा बहू के से मारपीट की। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर 10 साल की बालिका का खून से लथपथ शव मिला। शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। बता दें कि मृतक नाबालिग लड़की के गर्दन पर धारदार हथियार से निशान थे। वहीं परिजनों ने चाचा पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रॉपर्टी के लालच में हत्या की आशंका जताई जा रही है।
गाजीपुर रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने एक टिकट जालसाज को पकड़ने में कामयाबी पाई है। वहीं पिछले 3 सालों से लगातार अवैध सॉफ्टवेयर से टिकट बना रहा था। बता दें कि आरोपी अपने मोबाइल पर ही ओशियन एक्सटेंशन की मदद से पर्सनल आईडी पर ई टिकट बनाकर ग्राहकों को 400 से 500 रुपए टिकट किराए से कम लेकर बेचता था। अभियुक्त द्वारा टिकट बनाने में प्रयुक्त एक अदद रेडमी मोबाइल को जब्त किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। इस दौरान वो यहां पर सैनिक स्कूल के शिलान्यास के साथ गोरखनाथ मंदिर के गुरु पूर्णिमा उत्सव में भी शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सूबे के 9 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण कार्यक्रमों की तैयारी का जायजा लेने के लिए देवरिया और सिद्धार्थनगर का भी दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी सियासी पारी को फिर शुरू करने के अपने सपने को बसपा प्रमुख मायावती ने चुनाव से ठीक पहले ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। वो पूरे राज्य में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करने जा रही हैं, लेकिन अब पार्टी की तरफ से एक बड़ा बदलाव किया गया है। उन्होंने अपने ब्राह्मण सम्मेलन का नाम प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी कर दिया है। मतलब सियासत वही लेकिन कलेवर नया। प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी के तहत आज से अयोध्या में बसपा का चुनावी कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अयोध्या में बसपा की राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य सतीश मिश्रा कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन उन्होंने किया, उसके बाद हनुमान लला के दरबार में माथा टेकने के बाद वो राम जन्मभूमि परिसर में जाकर रामलला की पूजा अर्चना भी करेंगे। शासन ने 7 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 4 जिलों के पुलिस कप्तान शामिल हैं। सिद्धार्थनगर, जालौन, कासगंज और हमीरपुर जिले में नए कप्तानों को तैनाती दी गई है। यशवीर सिंह को सिद्धार्थनगर का, रवि कुमार को जालौन का, बोत्रे रोहन प्रमोद को कासगंज का और कमलेश कुमार दीक्षित को हमीरपुर का नया एसपी बनाया गया है। हमीरपुर के एसपी नरेंद्र कुमार सिंह को आगरा में 15वीं वाहिनी पीएसी का सोना नायक बनाया गया है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लाख कोशिश कर ले, लेकिन सफाई व्यवस्था और गरीबों को आवास योजना दिलाने की कुछ अधिकारी लेकिन ऐसे हैं जो बात को हवा में उड़ा देते हैं। बताते कि बदायूं की तहसील दातागंज के ग्राम रिजोला में अधिकारियों और ग्राम प्रधान की लापरवाही से गरीब घर से बेघर हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़ित राहुल ग्राम सचिव दिनेश कुमार को जब पीड़ित अपना दुखड़ा सुनाते हैं तो सचिव उस पर रौब झाड़ते हुए कहते हैं, ये तो प्राकृतिक है, इसमें क्या ही कर सकते हैं। वहीं ये ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिससे ग्राम विकास अधिकारी समेत प्रधान की फजीहत हो रही है। सर नमस्कार। अरे सर, मैं राहुल बोल रहा रिजुला से। राहुल? अरे सर, ऐसा हुआ, राज्य बारिश हुई थी हमारे गाँव में रिजुला में। तो मतलब हमारे गांव के पास तालाब था घर के पास में, तो उस तालाब का पानी हमारे घर में घुस गया है। सारी दीवारें गिर गई, कमरे भर गए और जो गेहूं वगैरह पड़े थे सब भीग गए और जो बर्तन फर्तन थे वो भी रिल गए। अब बताइए सर क्या करूं? बारिश के लिए कैसे कोई रोक लेगा? नहीं, बारिश के लिए नहीं, ये तालाब का पानी जो हमारे में घर में घुसा है इसका क्या करा जाए? मतलब प्रधान से भी हमने फोन करके बात करना चाहिए लेकिन उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। तालाब के पानी की क्या व्यवस्था होगी जी, बताओ? जब ऐसा होता है बारिश में तो फ्लो होता ही है भाई, तालाब भी भर जाते हैं, नदियां भी भर जाती हैं, बाढ़ आ जाती है। अब उसके लिए कैसे रोका जाए? तो प्राकृतिक चीज है, ये किसी आदमी ने कोई समस्या उत्पन्न की होती तो उसका समाधान वही प्रकृति वाला क्या समाधान हो सकता है ये बता दो। शाहजहांपुर में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि मजदूर बनकर ग्रामीण इलाकों में लोगों से ठगी किया करते थे। ये ठग लोगों से कहते थे कि वो मजदूरी किया करते हैं और कहीं पर मजदूरी में खुदाई के दौरान उनको अनमोल कीमत के धातु मिलते हैं। ग्रामीण इलाकों के सीधे साधे लोग इन ट्रकों की बातों पर आ जाते हैं और उनसे इस धातु को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर ये ठग उनसे रुपए ऐट लिया करता था और वहां से 9-2-11 हो जाया करता था। ऐसी ही एक ठगी का मामला जनपद शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर इन ठगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
शाहजहांपुर पुलिस ने इन ठगों को रोडवेज बस स्टैंड से ठगी करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आज एसओजी तथा सदर बाजार पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ा गया है, जो कि ठगी करता था। छोटे छोटे कस्बों में जाकर के व्यापारियों से नकली सिक्के दिखा करके उनसे पैसे की उगाही करता था। पिछले महीने कलान क्षेत्र में इनके द्वारा एक ठगी की गई, जिसके लिए मुकदमा लिखा गया। और पिछले एक माह से हमारी एसओजी सर्विलांस टीम लगातार इन पर निगरानी रख रही थी। आज इनके द्वारा दोपहर में बस स्टॉप पे एक व्यापारी के साथ करने की कोशिश की गई, ठगी करने की कोशिश गई। उसी दौरान इनकी सूचना प्राप्त होते ही संयुक्त रूप से सदर बाजार पुलिस तथा एसओजी द्वारा इनको रंगे हाथ पकड़ा गया। इनके पास से 5 किलो तक के सिक्के मिले हैं और 2.5 किलो का हार मिला, 16 मोबाइल मिले। खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।